हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीलम और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं डोमिनोज से भी बहुत ही डिलीशियस टेस्टी तवा पिज़्ज़ा रेसिपी, जो बनाने में बहुत सिंपल है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए मैंने लिया है कैप्सिकम रेड और येलो वाला, बस उसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा और थोड़े से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया है। थोड़ा सा प्याज ले लिया है और ये है रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस जो 30 के 2 मिलते हैं, और टमाटो सॉस, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स। तो अब मैंने पिज़्ज़ा की तैयारी कर ली है और अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और गैस का जो फ्लेम है उसे हमें मीडियम रखना है। कढ़ाई रख देंगे और उसमें नमक डाल देंगे। तो नमक को हमें थोड़ा सा इस तरह से फैला देना है जिससे नमक जल्दी से गर्म हो जाएगा। तो अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि ये प्री हीट हो जाए। तो चलिए इसे प्री हीट होने के लिए रख देते हैं, और जब तक हमारा कढ़ाई प्री हीट होता है अब हम पिज़्ज़ा की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं फोक की हेल्प से बीच बीच में छेद कर रही हूँ जिससे जो हमारा टॉपिंग्स है वो अच्छी तरह से पक जाएंगे। और यहाँ पे मैं टमाटो सॉस का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर पिज़्ज़ा सॉस है तो आप पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमें पूरी अच्छी तरह से जो सॉस है उसको स्प्रेड कर देना है। और यहाँ पे मैं मोज़रेला चीज़ का यूज़ कर रही हूँ। तो चीज़ की जो क्वांटिटी है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर चीज़ भी ऐड हो गया है। अब इस पर मैं छोटे छोटे जो कैप्सिकम के टुकड़े मैंने कट किए थे वो सब डाल दे रही हूँ। तो जैसा कि जो भी टॉपिंग्स मेरे पास अवेलेबल थे वो ही मैं यूज़ कर रही हूँ। आपके पास भी जो भी टॉपिंग्स अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। शिमला मिर्च की जगह आप टमाटर और प्याज भी रख सकते हैं, पनीर भी रख सकते हैं, और अगर आपको नॉनवेज बनाना है तो आप चिकन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही डिलीशियस बनके तैयार होता है। तो अब मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ थोड़ा सा ऑरिगेनो, और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें चिली फ्लेक्स। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स को अवॉइड कर दें, वरना आप चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं। और फिर से मैं ऊपर थोड़ा सा और पनीर ऐड कर दे रही हूँ। तो इस तरह से मैं क्रश करके ऐड कर रही हूँ, तो आप भी ऐड कर सकते हैं। और बस ये हमारा तैयार हो गया है। तो चलिए चेक कर लेते हैं हमारे कढ़ाई को। तो हमारा कढ़ाई बिल्कुल प्री हीट हो चुका है। और यहाँ पर इस तरह से आप एक कटोरी रख लें और किसी भी प्लेट या किसी भी इस तरह से ढक्कन में आप पिज़्ज़ा को रख दें। और फिर अब हम इसे ढक कर 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे हम पका लेंगे। तो बीच बीच में आपको इसे चेक भी करते रहना है, वरना हमारा जो पिज़्ज़ा का बेस है वो जल सकता है। तो मैंने इसे बीच बीच में चेक किया था और अब मैं इसे फिर से देख लेती हूँ। तो ये देखिए हमारा कितना क्रीमी और डिलीशियस पिज़्ज़ा बनके तैयार हो गया है। हमारी सब्जी भी पक चुकी है। अब इसे हम फॉक की हेल्प से कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। तो बाहर निकालने के बाद ये देखिए कितना क्रीमी, कितना सॉफ्ट और कितना डिलीशियस हमारा पिज़्ज़ा बनके तैयार हो गया है। तो ये पिज़्ज़ा डोमिनोज़ और पिज़्ज़ा हट से तो बहुत ही बेटर है। तो कम से कम बजट में ये पिज़्ज़ा बनाएं, घर भर खाएं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा बना था, और रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।